इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं, उनसे होने वाले कॉजेज़ क्या हैं और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के थ्रू होने वाले प्रॉब्लम्स हमारे पावर सिस्टम में क्या होते हैं। फॉल्ट्स को रोकने के लिए कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, जैसे सर्किट ब्रेकर है, रिले है, लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। दे आर बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फॉल्ट। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फॉल्ट को हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के रूप में भी पढ़ा है, जिसमें हमने बैलेंस फॉल्ट के अंदर थ्री फेज टू ग्राउंड एंड थ्री फेज फॉल्ट्स को पढ़ा है। इसके अलावा बैलेंस फॉल्ट के अंदर हमने सिंगल लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड एंड लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट्स को पढ़ा है। थ्री फेज वोल्टेज और करंट इन द बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन क्या होती है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या जान सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज ए बी सी सभी और एक ही फेज में होने चाहिए एंड द फेज सीक्वेंस ऑफ ए बी सी बाई 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के थ्रू होता है। फॉर अनबैलेंस सिस्टम पावर सिस्टम एनालिसिस कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग बाई द फेज इन लोड फ्लो स्टडीज और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स अलाउ द बैलेंस अनबैलेंस फेज क्वांटिटीज सच एज द करंट एंड वोल्टेज टू बी रिप्लेस्ड बाय द थ्री सेपरेट बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स फॉरस्की थ्योरम के थ्रू थ्री फेज अनबैलेंस्ड फेजर्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द थ्री बैलेंस सिस्टम ऑफ द फेजर द अनबैलेंस्ड सेट ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें पॉजिटिव बैलेंस फेजर जो होता है थ्री फेज वो होता है इक्वल इन मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ईच अदर बाय द 120 डिग्री सेम फेज सीक्वेंस एज द उसे ओरिजिनल फेज सीक्वेंस भी कहते हैं, जैसे ए बी सी। एंड निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री होता है एंड इनका सीक्वेंस जो होता है वो अपोजिट होता है, जैसे ए सी बी। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में इक्वल मैग्नीट्यूड्स होते हैं बट इनके बीच कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स को हम यहाँ डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव सीक्वेंस में वो फर्स्टली जीरो डिग्री पे है, देन 240 डिग्री पे एंड लास्टली सी के लिए जो है वो 120 डिग्री के लिए है। इसे हम ए सी बी सीक्वेंस या पॉजिटिव सीक्वेंस बोलते हैं। और निगेटिव सीक्वेंस के लिए जो सीक्वेंस है ये हमारे पास है जीरो डिग्री एट एन एंगल 120 डिग्री एंड करंट सी के लिए है एट एन एंगल 240 डिग्री। इसके ए सी बी सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस भी बोलते हैं। एंड जीरो सीक्वेंस में देखा हमने जो भी करंट के मैग्नीट्यूड्स है वो सारे इक्वल है और उनके बीच का फेज सीक्वेंस जो है वो जीरो है। थ्री फेज अनबैलेंस्ड करंट है यहाँ पे आई ए, आई बी एंड आई सी, जिनको हम लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल्स टू आई ए जीरो प्लस आई ए वन प्लस आई ए स्क्वायर। सिमिलरली आई बी और आई सी के लिए भी वैल्यू लिख सकते हैं, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर वन बाई यूजिंग पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस से हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू। एंड इन क्वेश्चन टू को बाय यूजिंग मैट्रिक्स आई ए, आई बी, आई सी, यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू हम इसे मैट्रिक्स में लिख सकते हैं आई बी और आई सी की वैल्यू निकालने के लिए, आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू निकालने के लिए। अब इक्वेशन थ्री को हम लिख सकते हैं द करंट ऑफ ए बी सी और ए विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट मैट्रिक्स जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है विच ट्रांसफॉर्म द फेजर करंट ए बी सी इंटू द कंपोनेंट करंट आई ए जीरो वन एंड टू। यर द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट इज इक्वल टू ए इनवर्स आई ए बी सी फॉर द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ करंट। इन इनवर्स ऑफ ए is given as the 1 by 3 in matrix form is shown in equation number 4. By solving the equation 3 and 4 we obtain A inverse is equals to 1 by 3 A conjugate. So that the symmetrical components for zero sequence IA naught is equals to 1 by 3 in bracket IA plus IB plus IC
from the matrix IA1 for the positive sequence, current is equals to 1 by 3 IA plus AIB plus A square IC, and for IA2, that means negative sequence, current is equals to 1 by 3 IA plus A square IB plus AIC. Expression exists for the voltage VA, BB and VC, the voltage sequence component जो है वो VA, VB और VC के लिए लिख सकते हैं. Similarly, the asymmetrical components in terms of unbalanced voltage, ये लिख सकते हैं VA naught, VA1 and VA2 similarly as the current. And the apparent power is also may be expressed in the terms of symmetrical components. Apparent power in three-phase system, VABC transposition matrix and current matrix of ABC conjugate.